हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जगदीश फिल्म प्ले। टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट अनादर प्रोग्राम। द प्रोग्राम वी आर गोइंग टू सी दैट इज प्रोग्राम टू फाइंड द एंटायर नंबर इन पैलिंड्रोम ऑन मार्स। इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी गॉन टू द वेरियस प्रोग्राम लाइक द एंटायर नंबर इज ऑन एंड हाउ टू जनरेट अ सीरीज ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर आफ्टर हाउ टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज इन द एनएफएल। नाउ today we are going to see how we can check whether the number which is entered by user is palindrome or not. So basically what it means, the palindrome number, the palindrome number is a number when we read that number from left to right or from right to left, the number should not be changed. For example, if I enter a number 1 2 1, नंबर 1 2 1, अगर मैं ये 1 2 1 को इस लेफ्ट साइड से अगर पढ़ता हूँ तो 1 2 1 ही मिलेगा, एंड इफ आई रीड दिस नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड तो वी विल गेट द 1 2 1। सो नंबर वुड नॉट बी चेंज व्हेन यू रीड दैट नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेट 5 5 5, ओके, दैट मीन्स इफ यू रीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो इट विल बी 5 5 5, इफ यू रीड फ्रॉम right hand side so it is 5 5. So the number is done, so that particular number is called as a palindrome number. Okay. Now we'll see the program. So first of all, we have to include the dactylic file, coniodotic file, void these are the formal statement. After that, I have to declare some sort of variables that we are using the for the purpose. Okay, I have declared one integer variable, the name of the variable is n. Okay, that value for n I have taken from user. User से जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो हमें एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, तो मैंने इसके लिए एक n नाम का वेरिएबल लिया है। आफ्टर दैट एवरी टाइम आई हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, बिकॉज सपोज इफ यू हैव अ नंबर 1 2 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेगमेंट 1, मुझे 1 को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर 1 को मुझे कंसीडर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव 2, दैट मीन्स 1 2 1 में से पहले मैं 1 बाहर निकालूंगा, देन वी विल गेट अ 12, उसके बाद मुझे 12 निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे 1 निकालना पड़ेगा। ऐसे एक एक वैल्यू को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को, क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू बाहर पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल के उसके ऊपर पढ़े उसके कर सकें। 1 2 1 में से पहले मैं 1 बाहर निकालूंगा, तो 1 कैसे बाहर निकलेगा, वी हैव टू मॉड द वैल्यू बाय 10। वी ऑलरेडी नो एनी वैल्यू और एनी नंबर विच इज मॉड बाय 10, सो इट विल रिटर्न द रिमाइंडर दैट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। आपको क्या मिलता है, लास्ट डिजिट मिलता है उस नंबर का। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से 10 से मॉड करते हो तो इट विल ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर एज अ लास्ट डिजिट। अगर उसी को आप डिवाइड करते हो 10 से तो लास्ट डिजिट को छोड़ के उसके पहले वाले जो भी डिजिट है उसको रिटर्न करते हैं, यानी 1 2 1 मॉड ऑफ 10 करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू 1, मुझे 1 मिलेगा। वही अगर मैं 1 2 1 डिवाइड 10 करता हूँ तो वी विल गेट द वैल्यू 12, मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। दैट मींस इट मॉड्यूलस ऑलवेज रिटर्न द लास्ट डिजिट एंड आपका जो डिवीजन है ऑलवेज रिटर्न द प्रीवियस डिजिट एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट। ओके, व्हाइल यू आर डूइंग द डिवीजन एंड मॉड्यूलस बाय 10, सो लाइकवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेक द वन वैल्यू फ्रॉम द यूजर, सो आई हैव टेक द मैसेज एंटर एनी नंबर। आफ्टर दैट आई हैव टेक द वैल्यू ऑफ नंबर, तो स्कैनर परसेंट एड्रेस ऑफ एन जो भी एक वैल्यू जो भेजेगा उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा, एन नाम के वेरिएबल पे जाकर स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैंने क्या कर दिया, ये एन को एन की जो भी वैल्यू रहेगी वो एक ओआरआई नाम के वेरिएबल में डाल के रख दिया है। व्हाई आई हैव स्टोर्ड दैट एन वैल्यू इन ओआर ओरिजिनल वेरिएबल, ठीक है, ओआरआई स्टैंड फॉर ओरिजिनल, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, एक्सपायरी डेट आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी आई हैव टू टेक ओआरआई, यू हैव टू टेक एक्सपायरी, नो नॉट नेसेसरी, यू हैव टू टेक एनी वेरिएबल नेम। तो ORI is equal to, that means the value of n is equal to the ORI variable. It means that in further instruction or in the further proceedings, if the value of n will get changed, so your original value of n is stored into the ORI variable. अगर n का value बाद में change भी होता है तो हमारे पास इसका जो copy है वो stored रहेगा, जिसमें रहेगा ORI. Now ORI की value क्या हो जाएगी, जो भी आपने n की value enter की है वही ORI की value रहेगी। After that, put it one while loop. भाई इट इज रिक्वायर्ड अ वैल्यू, बिकॉज जितने डिजिट का नंबर रहेगा आपका उतनी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी।
सपोज इफ यू हैव अ 3 डिजिट नंबर तो आपको 3 से परफॉर्म करनी पड़ेगी, इफ यू हैव अ 5 डिजिट नंबर तो आपको 5 से परफॉर्म करनी पड़ेगी, इफ यू हैव अ 10 डिजिट नंबर तो आपको 10 स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेगी. सो इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस, आपको रिपीटेशन से प्रोसेस, ठीक है, आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार लिखनी होती है. तो बार बार कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोई स्टेटमेंट आप बार बार लिखते हो तो आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर डाल देते हो ताकि आपका ओवरहेड बच जाता है बार बार लिखने का, ठीक है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप चलाया. ये लूप कहाँ तक, तब तक चलेगा जब तक एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तक चलेगा. दैट मींस नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सपोज इज 121. सपोज हमने एंटर किया 121, तो 121 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन टू, वहाँ अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद लूप में एंट्री करने के बाद व्हाट वी फाइंड आउट, फर्स्ट रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10, यानी जो भी आपका वैल्यू है एन. तो जैसे यहाँ पे आपने एन का वैल्यू 121 एंटर किया हुआ है, 121 मॉड ऑफ 10 करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, यू गेट अ 1. आपको आंसर में 1 मिलेगा, जो किस पे जाएगा, रिमाइंडर में जाएगा, ठीक है. तो रिमाइंडर क्या है, 1 आया. नाउ व्हाट वी विल डू, सम इज इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, दैट इज द फार्मूला, ठीक है. अगर आप किसी भी वैल्यू को, इनिशियली सम में अपन ने 0 रखा है, व्हाई इट इज 0, बिकॉज़ इफ यू मल्टीप्लाई, सॉरी इफ यू मल्टीप्लाई 0 बाय 10, तो 0 विद एनी वैल्यू, ठीक है. अगर आपका 0 किसी भी मल्टीप्लाई होता है, सो योर रिजल्ट विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है. तो सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर ऐसे लिखा है मैंने. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, सम इज 0, 0 इनटू 10 0, प्लस रिमाइंडर क्या आया, जो हमारे पास 1 आया है, ठीक है. तो 0 प्लस रिमाइंडर, दैट मींस 0 प्लस 1, आपका आंसर क्या आया, सम में 1 आया. दैट मींस अभी यहां पे इस केस में सम में क्या चले गया, हमारे पास 1 चले गया. नाउ n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, सो n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, दैट मींस 1 टू 1 में से हमारा 1 बाहर निकल गया था. अभी 1 टू 1 में से 1 बाहर निकल गया, तो अभी मैं 12 को सेपरेट आउट करूंगा तब जाके मैं 2 को बाहर निकाल पाऊंगा, ठीक है. तो इसलिए अभी व्हाट वी हैव टू डू, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो भी n वैल्यू है उसको n डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. तो 121 डिवाइड बाय 10 करता हूं, तो यू विल गेट वैल्यू 12. आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में 12 मिलेगा, यानी अभी आपका n का वैल्यू कितना हो गया, 12. पहले n का वैल्यू था 121, अभी n का वैल्यू क्या हुआ, हमारा 12 हुआ, ठीक है. नाउ यहां से फिर से वो क्या करेगा, यहां से फिर से वो ऊपर चढ़ेगा, व्हाइल लूप में जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, अभी n का वैल्यू कितना हो गया, अभी n का वैल्यू हमारा 12 हो चुका है, ठीक है. नाउ 12 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा, अगेन फिर से ये नीचे वाली 3 स्टेप को परफॉर्म करेगा, ठीक है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अभी क्या कैलकुलेट करेगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा. तो रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड ऑफ 10. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n अभी कितना हुआ है, 12 हुआ है. तो 12 मॉड ऑफ 10 करोगे तो यू विल गेट आंसर 2. आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. नाउ द प्रीवियस सम वैल्यू इज 1, प्रीवियस सम वैल्यू कितना था, 1 था, ठीक है. तो अभी जब ये सम कैलकुलेट करेगा तो सम क्या आएगा, सम इज इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर. सम सम में प्रीवियस वैल्यू 1 था, 1 इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है. दैट मींस व्हाट वी गेट, हमको एग्जैक्ट वैल्यू कितना मिलेगा सम का, फिर 1 इनटू 10 इज 10 प्लस 2 यानी 12. अभी सम में वैल्यू कितना चले गया, 12 चले गए, ठीक है. तो नाउ द सम वैल्यू इज 12. नाउ अभी 12 में से मेरा 2 सेग्रीगेट हो चुका था, 2 मैंने बाहर निकाल लिया था, अभी मुझे मैं 1 को सेपरेट करूंगा तो 1 मुझे बाहर मिलेगा, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, तो मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो अभी 12 डिवाइड बाय 10 करते हो तो यू गेट आंसर, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है. यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, लूप खत्म हो गया. फिर से ये ऊपर जाए, फिर से वाइल लूप में जाएगा. अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू कितना हुआ है, 1 हुआ है, ठीक है. अभी n का वैल्यू 1 हुआ है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 है, यस कंडीशन इज ट्रू. 2 है तो फिर अंदर जाएगा लूप से, अगेन इट विल फाइंड आउट द रिमाइंडर. रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड ऑफ 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 1, n का वैल्यू कितना है, 1. 1 मोड ऑफ 10 करते यू गेट आंसर 1, आपको 1 मिलेगा, ठीक है. आपने क्लियर टू फाइंड आउट द सम वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर. सो सम इज इक्वल टू सम सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर. सो प्रीवियस सम वैल्यू इज 12, पहला प्रीवियस सम वैल्यू कितना है, 12. सो 12 इनटू 10 प्लस अभी रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 1 आया है. सो व्हाट इज द आंसर, सो 12 इनटू 10 दैट इज 120, 120 प्लस 1 इज 121, ठीक है. सो नाउ n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो अभी n कितना था हमारा, 1 था, तो 1 डिवाइड बाय 10 यू विल गेट आंसर 0. आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. यहां से फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद n इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस अभी n का वैल्यू कितना है, 0. तो 0 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है तो if के पास आएगा, यहां पे आएगा, लूप के अंदर जाएगा क्या, नहीं, यहां if के पास आएगा. if के पास आने के बाद क्या चेक करेगा, if ORI, देखो ORI में क्या किया था आपने, n का वैल्यू जो था हमने पहले से ही ORI में डाल के रख दिया था, क्योंकि यहाँ देखो n का वैल्यू बार बार चेंज हुआ, पहले n 121 था, फिर n 12 हुआ, फिर n 1 हुआ, ठीक है. तो ऐसे करके बाद में फिर लास्ट में 0 होगा,
तो ऐसे करते करते आपका एन का वैल्यू चेंज होने वाला था, इसलिए हमने क्या किया था, एन का वैल्यू एक टेम्पररी वेरिएबल एटलीस्ट वो आर एन एम का वेरिएबल में जनरेट किया क्रिएट किया था, उसमें हमने एन का वैल्यू स्टोर कर दिया था। नाउ आई हैव टू चेक इफ ओ आर एन इज इक्वल टू सम, ओ आर एन वैल्यू क्या है, ओ आर एन क्या डाल के रखा था आपने, एन का वैल्यू क्या था 120, तो ओ आर एन में 120 बन था। अभी सम में वैल्यू कितना आया, देखो सम में 120 बना आया हुआ, ठीक है, सम में वैल्यू कितना आया 121। सो अगर ओ आर आई का वैल्यू और सम का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, एंड इक्वल होता है, तो फिर आप इसमें क्या प्रिंट कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ कैलेंडर नंबर, यानी ओ आर आई में जो वैल्यू होगा, ठीक है, ओरिजिनली जो आपने वैल्यू स्टोर करके रखा है एन का ओ आर आई नाम से वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कैसे मैसेज प्रिंट करेगा, ये परसेंटेज इसका ओ आर आई का वैल्यू, ओ आर आई में जो भी वैल्यू होगा उसका परसेंटेज, यानी उसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा, इज द कैलेंडर नंबर, वो फिर कैलेंडर नंबर रहेगा। अगर आपका ओ आर आई में आपका ओरिजिनल वैल्यू और सम का वैल्यू इक्वल होता है तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, वो नंबर आपका पैलिंड्रोम है। एल्स अगर नहीं है, यानी आपका ओरिजिनल में एक वैल्यू है, सम में दूसरा वैल्यू आया है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, द नंबर इज नॉट द पैलिंड्रोम नंबर, यानी वारा में जो वैल्यू है वो आपका पैलिंड्रोम नहीं है। तो यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम आप लोग देख सकते हो, तो अल्टरनेट नाइन, तो यू हैव टू रिमूव दिस, समझाने के लिए अपने लिए थे यहाँ पे वैल्यूज पढ़ोगे बट अगर राइट से पढ़ोगे तो 332 आपको आंसर में मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए 332 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। सो नाउ होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम, ओके, नाउ वी विल सी द अनदर प्रोग्राम, द सीरीज ऑफ पैलिंड्रोम नंबर। इन द फर्स्ट प्रीवियस प्रोग्राम व्हाट वी हैव सीन, the program statement was write the program to find out the entire number is palindrome or not, yani aapko user ne ek number diya usko check karke bataya aapne ki ye number palindrome hai ya nahi hai, theek hai, lekin suppose right now if the user asks write the program to find the palindrome number from 1 to till the nth element, or we can say program to find the palindrome numbers till the nth element, yani user aapko ye batayega ki usko palindrome number kahan tak generate karna, ठीक है, सपोज इफ आई सेड कि मुझे 100 तक पता करना है कि कितने पैलिंड्रोम नंबर आते हैं, सपोज समवन कैन से मुझे 200 तक जनरेट करना है कि पैलिंड्रोम नंबर कितने, सपोज समवन कैन से मुझे 10 तक जनरेट करना है कि पैलिंड्रोम नंबर कितने आते हैं, तो फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम, द लॉजिक इज सेम, ठीक है, अब पहले इन द प्रीवियस प्रोग्राम व्हाट वी डिड, हमने एक नंबर चेक करके बताया, राइट नाउ वी हैव टू जनरेट अ सीरीज, अगर मुझे 10 तक के जनरेट करना है तो आई हैव टू चेक 1 इज पैलिंड्रोम है या नहीं, 2 है या नहीं, 3 है या नहीं, 4 है या नहीं, ठीक है, लाइक वाइज, ठीक है, तो इस तरीके से यानी आपके प्रोग्राम में आउटपुट में ये दिखाना चाहिए 1 इज पैलिंड्रोम ऑन नॉट, 2 इज पैलिंड्रोम ऑन नॉट, 3 इज पैलिंड्रोम ऑन नॉट, लाइक ओके, टिल द एनथ एलिमेंट, यूजर को जहां तक जनरेट करना है वहां तक उसे जनरेट करके देना चाहिए। सो दे हैव टू सी द प्रोग्राम, सो कुछ प्रोजेक्ट इंक्लूड फाइल्स stdio.h.h वर्ड में आप एक डाटा डिक्लेयर द वेरिएबल्स, हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, सो सेम थिंग एक एन नाम का वेरिएबल लिया है कि जो यूजर से मुझे एन का वैल्यू पूछना है कि कहाँ तक उसे जनरेट करना है, रिमेंट मुझे निकालना पड़ेगा एवरी टाइम, पर सम का भी वैल्यू मुझे लगने वाला है बिकॉज इट फाइंड आउट सम, एक ओ आर आई नाम का एक ओरिजिनल नंबर भी ओरिजिनल वेरिएबल लिया है, मैं एक फॉर लूप यूज करने वाला बिकॉज वी हैव टू जनरेट अ सीरीज, ठीक है, इसलिए मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया और एक नंबर एन ईयर नंबर नाम का वेरिएबल लिया ताकि मैं जब आई इक्वल टू वन रहेगा तो मुझे वन को चेक करके बताना है, तो मैं वन एक नंबर ये नंबर नाम का वेरिएबल स्टोर कर दूँ, आई जब टू होगा तो मुझे सेकंड नंबर को चेक करना है, आई थ्री होगा तो थ्री को मुझे चेक करना है, लाइक ठीक है, तो मैंने यूजर के लिए मैसेज पास ऑन कर दिया, एंटर एनी नंबर इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, आपको कहाँ तक पैलिंड्रोम की सीरीज जनरेट करनी है तो आपको एक नंबर भेजना है, तो यूजर आपको एक नंबर दे देगा जो आपके एन वैल्यू में जाएगा, ठीक है, लेट मी सपोज इफ आई सेड 10 तो मुझे 10 तक जनरेट करना है, सपोज एन का वैल्यू मैंने 100 एंटर किया तो मुझे 100 तक पैलिंड्रोम नंबर को
कौन से पैलिंड्रोम नंबर है इसका लिस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, 1 to 100। अगर मैंने 200 एंटर किया तो 200 तक लिस्ट मिलना चाहिए। तो फॉर दैट आई रिक्वायर वन फॉर लूप, फॉर लूप मैंने चलाया है यहाँ पे, फॉर आई प्लस वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। तो फॉर लूप चलाया मैंने, आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक चलना है आपने को, एन तक चलना है, क्योंकि मुझे 100 तक सीरीज जनरेट करनी है। अगर मैंने बोला एन इज इक्वल टू 100 तो मेरा जो सीरीज जनरेट होगा वो कहाँ तक जनरेट होगा, 100 तक जनरेट होगा, ठीक है, इन द फॉर लूप। सो इनिशियली फॉर आई इक्वल टू, सपोज मान के चलते कि एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, एन इज इक्वल टू हमने 20 एंटर किया, वी हैव टू चेक वेदर द 20 इज वेदर वी हैव टू चेक सॉरी मैंने इफ आई एंटर्ड एन वैल्यू इज 20, दैट मींस मुझे 20 तक कौन से नंबर पैलिंड्रोम है और कौन से नहीं है उसका लिस्ट चाहिए। दैट मींस ये कैसे बताएगा, 1 इज पैलिंड्रोम, 2 इज पैलिंड्रोम, 3 इज पैलिंड्रोम, लाइक वाइज, ठीक है, इस तरीके से उसकी पूरा लिस्ट शो करना चाहिए। तो व्हाट आई डिड, आई इज इक्वल टू 1 एस, पहले बार क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 रहेगा तो मुझे 1 को चेक करना पड़ेगा, आई 2 हुआ तो 2 को चेक करना है, थर्ड लूप में थर्ड टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो मुझे 3 को चेक करके बताया, फोर्थ टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो 4 को चेक करके बताया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू 1, पहले बार जब पहले बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। सो 1 इज लेस देन 20 में क्या, यस कंडीशन इज ट्रू, कि नीचे का नीचे जाने के बाद नॉन इज इक्वल टू लूप के अंदर एंट्री किया, लूप के अंदर एंट्री करने के बाद व्हाट आई वैल्यू इज असाइंड टू नॉन, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया था, तो आई इज इक्वल टू कितना है 1, यानी मुझे अभी किसको चेक करके बताना है, 1 को चेक करना है, तो मैंने नंबर में 1 डाल दिया, ठीक है। फिर नंबर का वैल्यू आपका बार बार चेंज होने वाला, अभी ये सिंगल डिजिट का नंबर है इसलिए इसमें चेंजेस के इसमें ज़्यादा चेंज होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज सिंगल डिजिट नंबर, एंड सिंगल डिजिट नंबर का अगर आप लेफ्ट और राइट से पढ़ो तो सेम ही मिलेगा, 1 को आप लेफ्ट से पढ़ो राइट से पढ़ो तो यू विल गेट अ वैल्यू 1, ठीक है। बट इफ द वैल्यू इज मोर देन 2 डिजिट, ठीक है, दैट मीन्स 10 से आगे जितने भी नंबर आते हैं उसको हम लोग चेक करके बता सकते हैं, ठीक है, 1 to 9 तो आपका पैलिंड्रोम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फिर 1 किस में डाल दिया, एक नंबर नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ओ आर आई ने क्या कर दिया, नंबर का वैल्यू डाल दिया, यानी जो भी नंबर का वैल्यू है वो मैंने ओरिजिनली एक ओ आर आई नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ताकि अगर एक नंबर का वैल्यू चेंज भी होता है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उसका ओरिजिनल वैल्यू मेरे ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में स्टोर रहेगा। नाउ सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियली सम को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। एवरी टाइम जब भी आप नए वैल्यू को चेक करोगे तो एवरी टाइम यू हैव टू रीअसाइन द वैल्यू ऑफ सम, यानी सम को आपको हमेशा 0 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको लूप के अंदर डाल दिया। लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, लास्ट प्रोग्राम हमने सम को पहले ही 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया था, लेकिन अभी हमने सीरीज जनरेट कराएंगे, ठीक है, तो एवरी टाइम हमारे सम की वैल्यू चेंज होगी। अगर सम की वैल्यू अगर आप यहाँ सम की वैल्यू चेंज नहीं करते, 0 इनिशियलाइज नहीं करते एवरी टाइम, तो ये क्या करेगा, सम का प्रीवियस वैल्यू अराउंड करते जाएगा, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा गलत मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। सो उसके सम को 0 इनिशियलाइज किया है, तो व्हाइल नन इज ग्रेटर देन 0, ये लूप चला है, क्योंकि एक ही चीज़ आपको बार बार चलानी है, ठीक है, तो जब तक नम का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक चलेगा, ठीक है। तो अभी नम का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है, सो नम 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू। फिर हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर इज नम ऑफ 10, यानी 1 मॉड अगर 10 करते हो तो व्हाट आंसर यू विल गेट, यू विल गेट 1, ठीक है, नम में आपका रिमाइंडर 1 हो गया। सम इज इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है, सम में इनिशियली वैल्यू कितना है 0, सो 0 इनटू, सो 0 इनटू 10 प्लस 1, सो यू विल गेट अ वैल्यू 10 इनटू 0 0 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मींस यू गेट अ वैल्यू 1, सम में 1 चला गया, देन अगेन 1 इज नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, सो अगर नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, नम का वैल्यू 1 था, 1 डिवाइड बाय 10 करते हो यू गेट आंसर 0, तो 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जिससे क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा वैल्यू के पास जाएगा, अभी अभी आपका नम का वैल्यू देखो चेंज हो गया, अभी नम का वैल्यू क्या है आपका 0 आ गया, पहले 1 था, अभी वो क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 इज ग्रेटर 0 है क्या, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप में जाएगा क्या, अभी नहीं, डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा और चेक करेगा इफ ओ आर आई इज इक्वल टू सम, ओ आर आई में वैल्यू कितनी थी, ओ आर आई में वैल्यू नम का वैल्यू था, नम का वैल्यू कितना था हमारा पहला 1 था, ठीक है, सो ओ आर आई में 1 है, सम में वैल्यू कितना आया है 1 आया है, ठीक है, दोनों मैच हो गए, कंडीशन इज ट्रू, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, परसेंट इज द पैलिंड्रोम नंबर, यानी 1 इज द पैलिंड्रोम नंबर, ओ आर आई में वैल्यू 1 है तो 1 इज द पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अगर नहीं रहता तो कहाँ पे जाता, एस पे जाता, नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, फिर से यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाए, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, पहले आई इज इक्वल टू 1 था, अभी आई का वैल्यू कितना हो गया, आई प्लस प्लस किया अभी उसने, अभी आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। नाउ इट विल चेक द वैल्यू, इट विल चेक द वैल्यू 2 इज करंट नाउ, देन अगेन द सेम प्रोसेस, देन आई इज गिवन टू नंबर, ओ आर इज गिवन टू नंबर, सो वी हैव टू अगेन रिपीट दिस प्रोसेस, ठीक है, देन अगेन आफ्टर रिपीटिंग दिस प्रोसेस यू विल गेट आंसर वेदर द 2 इज प्राइम और वेदर द 2 इज प्राइम करंट नाउ और नॉट, ठीक है। सो आपको 2 पैलिंड्रोम है नहीं पता चलेगा, तो 2 इज और बट ऑफ दिस पैलिंड्रोम है, ठीक है, आप इधर फिर से ऊपर जाएगा,
फिर से ऊपर जाने के बाद आई को इंक्रीमेंट करेगा, नाउ आई थ्री, आई थ्री हो जाएगा, सो नाउ ये थ्री को चेक करके बताएगा। वैसे फिर आई फोर होगा, आई फाइव होगा, आई सिक्स होगा टिल द 20, तो 20 तक ये आपको चेक करके बताएगा वेदर वेदर द पर्टिकुलर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैलिंड्रोम का सीरीज जनरेट करेंगे। ठीक है, सो लाइक वाइज वी हैव एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो अल्टर एफ नाइन से कंपाइल करते हैं, कंट्रोल एफ नाइन से कंपाइल करते हैं। ओके, सो एंटर एनी नंबर टिल यू वांट टू फाइंड आउट द पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, कहाँ तक आपको पैलिंड्रोम नंबर की सीरीज जनरेट करनी है, सपोज इफ आई एंटर 50, मैंने बोल दिया 50 तक मुझे पैलिंड्रोम नंबर बताइए। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आ गया आपके पास। ठीक है, ये ऊपर में भी होगा ये पूरा। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे 24 शो कर रहे हैं, 24 इज नॉट द पैलिंड्रोम, 22 इज नॉट द पैलिंड्रोम, देन 30, देखो 33 पैलिंड्रोम है। 33 को आप लेफ्ट राइट से दोनों साइड से पढ़ते हो तो यू विल गेट अ सेम नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे 44 का पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा। सपोज अगर सपोज मुझे 15 तक जनरेट कर, ठीक है, वन इज पैलिंड्रोम, टू इज पैलिंड्रोम, थ्री इज पैलिंड्रोम, टिल द 9 इज पैलिंड्रोम, बिकॉज टू सिंगल डिजिट नंबर। 8.10, 10 इज नॉट पैलिंड्रोम, 11 इज पैलिंड्रोम, देन बाकी थिंग नॉट पैलिंड्रोम। सो इस तरीके से आपका सीरीज जनरेट होगा। ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। आफ्टर दिस वी विल सी द अदर प्रोग्राम। Now, this is another program. The program statement is what? Program to find the large number among the three number. एक नया प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको यूजर तीन नंबर बताएगा। दैट थ्री नंबर्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, और तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट द लार्ज नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट द बिगर नंबर बिटवीन द थ्री नंबर्स। तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपको बताना, वेरी इजी प्रोग्राम। सो यू हैव टू इंक्रीज टू फाइल HTML.com.au/. सो आफ्टर दैट आई हैव टेकन थ्री वेरिएबल्स एंड वन एंटी एंटी। यू कैन टेक एनी एनी वेरिएबल नेम, ABCD आप ले सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव टेकन एंड वन एंटी एंड एंटी। वी आर स्टेप फॉर टेकिंग द आउटपुट इन द PHP एंड फिल्टर एंटर एनी वैल्यू ऑफ एंटर एनी वैल्यू एंटर एनी वैल्यू ऑफ एंड वन एंटी एंड एंटी। ठीक है, आपको मैंने एक मैसेज पास ऑन कर दिया यूजर के लिए। यूजर को तीन वैल्यू भेजना है, जो पहली वाली एनवी में जानी चाहिए, सेकंड वाली एंटी में, और थर्ड वाली एंटी में जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने स्कैन ऑफ स्टेटमेंट लिख दिया, स्कैन ऑफ परसेंटेज एड्रेस ऑफ एन1, एड्रेस ऑफ एंटी एंड एड्रेस ऑफ एंटी। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू हम लोग रीड करते हैं उसके सामने एन परसेंट सिंबल लिखते हैं, और जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू हम लोग रीड करने वाले, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका सॉरी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जैसे एन1, एन2, एन3, इनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज, तो इसलिए यहाँ पे तीन बार परसेंटेज लिखा हुआ है, क्योंकि तीन इंटीजर्स की वैल्यू मुझे रीड करनी है। तो नाउ आई हैव, अभी हम लोग के पास थ्री वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज मान के चलते कि मैंने अभी यहाँ पर एंटर कर दिया 10, 20, 30, ऐसे कुछ एंटर कर दिया, यानी N1 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, सपोज N1 का वैल्यू 10 हो गया मान के चलते हैं, N2 का वैल्यू आपके पास सपोज 20 है, एंड मान के चलते कि N3 का वैल्यू सपोज आपने 30 एंटर कर दिया। सो N1 में 10 चलेगा, N2 में 20, N3 में 30 चलेगा। सो आई हैव टू सपोज चेक द कंडीशन, बट कंडीशन यहाँ रहता है इफ N1 इज ग्रेटर देन N2। मैंने चेक किया कि N1 की वैल्यू N2 से बड़ी है, तो N1 की वैल्यू कितनी है 10, N2 की वैल्यू कितनी है 20। सो N1 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कीप द अजम्पशन। तो व्हाट आई थिंक, जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें अजम्पशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक कि मैंने पहले चेक किया इफ, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता नहीं था, ये तो हम लोगों ने अभी वैल्यूज क्या की ली हुई है ना, एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, बट इफ यू डोंट नो कि यूजर क्या एंटर करने वाला है, ये हमें पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए हमने क्या लिखा कोडिंग में, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2। मैंने चेक किया पहले कि हो सकता है कि N1 का वैल्यू N2 से बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इफ N1 इज ग्रेटर देन N2,
अगर एन वन का वैल्यू एन टू से बढ़ा है तो फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, अगर इफ इट इज ट्रू तो ये फिर से अंदर जाए, अंदर जाने के बाद फिर से मैंने क्या चेक किया, इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन थ्री, ठीक है, क्योंकि पहले इसको पहले इसमें आपने चेक किया कि एन वन एन टू से बड़ा आएगा, मान के चलते है, अगर एन वन एन टू से बड़ा है तो मुझे फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या एन वन एन टू से भी बड़ा है, ठीक है. सो इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन थ्री दैट मीन्स एन वन ही आपका बड़ा हो गया, क्योंकि एन वन एन टू से भी बड़ा हो गया, एन वन एन थ्री से भी बड़ा हो गया, दैट मीन्स आप क्या प्रिंट कर दोगे, एन वन इज द लार्जेस्ट वैल्यू, एन वन इज हैविंग द लार्ज वैल्यू, एन वन इज हैविंग द बिगर वैल्यू, ऐसे इस तरीके से अपने एक प्रिंटर सिस्टम में मैसेज प्रिंट कर दो. नाउ नाउ द सेकंड पार्ट, ठीक है, सपोज इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, एन वन की वैल्यू एन टू से बड़ी है चलेगा, ठीक है, बट एन वन इज नॉट ग्रेटर देन एन टू, एन वन एन टू से बड़ा है लेकिन एन वन एन टू से बड़ा नहीं है, एन वन एन टू से बड़ा नहीं है तो आपका ये अंदर वाला इफ फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो ओ एल्स के पास जाएगा, एल्स के पास जाएगा तो व्हाट आंसर यू विल फाइंड, एन थ्री इज ग्रेटर, ठीक है. कैसे, प्लीज सपोज मान के चलते हैं आप एन वन का वैल्यू कितना है, एन वन का वैल्यू आपका 10 है, एन वन का वैल्यू आपका 10 है, ठीक है, एन टू का वैल्यू कितना है 20 है, ये पहले इसमें फॉल्स हो गया, ठीक है. नाउ चेक, इफ हमने पहले कंडीशन में क्या चेक किया कि एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, कंडीशन इज ट्रू तो फिर क्या एन वन इज ग्रेटर देन एन टू है क्या, ये चेक किया, अगर है तो आपका एन वन लार्ज हो जाएगा, बट ऑब्वियसली कि एन वन का वैल्यू एन टू से भी बड़ा है और एन टू से भी बड़ा है तो एन वन ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है. लेकिन सपोज एन वन एन टू से बड़ा है लेकिन एन वन एन थ्री से बड़ा नहीं है, एन वन एन टू से बड़ा है लेकिन एन वन एन थ्री से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते कि एन थ्री इज अ लार्ज वैल्यू बिकॉज एन वन आपका एन टू से बड़ा है लेकिन एन वन आपका एन थ्री से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स एन वन एन टू से बड़ा है लेकिन एन वन एन थ्री से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स बट ऑब्वियस एन थ्री क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा तो एस पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. इन अदर केस सपोज इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, नाउ इन दिस केस अभी यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन टू इज 20, एन थ्री इज 50, ठीक है. नाउ चेक, एन वन इज 10, 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स वो कहाँ पे जाएगा, वो एल्स पे जाएगा, एल्स पे जाएगा, अगर एन वन आपका एन टू से बड़ा नहीं है दैट मीन्स आपका एन टू बड़ा है, ठीक है, तो फिर एन टू बड़ा है तो फिर एन टू एन वन से बड़ा है, तो एट द सेम टाइम जब एन टू एन वन से बड़ा है तो मुझे एन थ्री के साथ भी चेक करना पड़ेगा क्या ये एन थ्री से भी बड़ा है, ठीक है, तो इसको एस के पास हमने चेक किया, इन एन टू इज ग्रेटर देन एन थ्री, ठीक है. पहले फर्स्ट इफ में क्या किया था कि आपने बोला एन वन ग्रेटर देन एन टू है क्या, अगर है तो ये नीचे वाले इफ का जो ब्लॉक है ये पूरा इतना यहाँ तक ही इसकी प्रोसेसिंग चलेगी, लेकिन अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स होता है कि एन वन एन टू से बड़ा नहीं है तो दैट मीन्स एन टू बड़ा है, दैट मीन्स एन टू बड़ा है, तो एन टू अगर बड़ा है एन वन से तो एन टू क्या एन थ्री से भी बड़ा है क्या, वो भी चेक करना पड़ेगा, तो एल्स के अंदर पीछे मैंने चेक किया इफ एन टू इज ग्रेटर देन एन थ्री, ठीक है, अगर होगा तो मैं क्या बोलूंगा एन टू इज द लार्ज वैल्यू, अदरवाइज मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा कि एन थ्री इज द लार्ज वैल्यू, अगर आपका एन टू बड़ा नहीं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा एन थ्री इज द लार्ज वैल्यू. सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सो अल्टर एफ से मैं कंपाइल करता हूं. ठीक है, सो एंटर द वैल्यू ऑफ एन वन इंटू एन थ्री, सो एन वन इज 10, एन टू इज 20, एन थ्री इज 30, ऐसे तीन वैल्यू मैंने एंटर किया, एन वन में 10, एन टू में 20, एन 30, सो व्हाट इज द वैल्यू, एन थ्री इज द लार्ज वैल्यू, देखो 30 सबसे बड़ा वैल्यू मिल गया. नाउ आई थिंक वी हैव टू चेंज द इनपुट, सपोज मैंने एंटर किया अभी 55, 20 और 40, ठीक है. नाउ चेक, सो एन वन इज द लार्ज वैल्यू, 55 सबसे बड़ा है, ठीक है. Now again change the input. Suppose now I have entered 100, 20, 34. So n1 is the last value. You can now again I have to change the value. So 23, 45, 6. So n2 is the last value. Sorry, conditions I have checked. Okay. So this way. This way we are going to find out the large value between the three numbers. Okay. Now on the second program we will see. Starting one is different. Okay. Now we will see the another program. Program to interchange the value of two variables using the third variable. Okay. What is the statement? You have to read very carefully. Write a program to interchange the value of two variables. दो variables आपको लेना है, दोनों में दो अलग अलग values रहेगी, ठीक है.
वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। यानी दो पॉकेट है, दो पॉकेट में दो वैल्यूज रखी हुई है आपने, ठीक है, दोनों पॉकेट की वैल्यू एक दूसरे में एक्सचेंज करना है यूजिंग द थर्ड पॉकेट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने हमने प्रोग्राम लिखा है, तो मैंने दो वेरिएबल लिया इंटीजर ए बी, ठीक है, ये दो पैकेट है मेरे ए बी, और मैंने तीसरा पैकेट लिया है टेन, यानी मैंने तीन वेरिएबल लिए, एक ए बी और टेन, ठीक है। यानी ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू ए और बी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, स्वैप करनी है, यानी पहले से ए और बी में कुछ वैल्यू रहेगी उसको मुझे स्वैप करना है यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, यानी तीसरा पॉकेट यूज करके, यानी तीसरा वेरिएबल यूज करके, दैट इज टेंपरेरी, मैंने टेंपरेरी नाम का वेरिएबल तीसरा लिया है। उसके लिए ए का वैल्यू ए में जाना चाहिए, बी का वैल्यू बी में जाना चाहिए, उसके लिए हमने स्कैनर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। सो ए का वैल्यू ए में जाएगा, बी का वैल्यू बी में जाना चाहिए, स्कैनर स्टेटमेंट लिखा है। सपोज अभी सपोज मान के चलते कि यूजर ने ए का वैल्यू एंटर किया है, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी जी प्रोसेस उसने एंटर किया 3 3, ठीक है। नाउ टेंथ में अभी तक कुछ है क्या हमारे पास, टेंथ में कुछ भी नहीं है, टेंथ अभी तक खाली है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर इंटरचेंज, तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि ए और बी का वैल्यू क्या है इंटरचेंज होने से पहले, ए और बी का वैल्यू क्या रहेगा। तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर इंटरचेंज, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 रहेगा, एंड बी बी का वैल्यू क्या रहेगा 3 रहेगा, यानी ए और बी का वैल्यू मैंने चेंज करवा दिया, ए इज इक्वल टू परसेंट डी यानी ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, एंड बी इज इक्वल टू परसेंट डी यानी बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा, ए और बी का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक क्या लगाया कि हमें हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करनी है, ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए, बी की वैल्यू ए में जानी चाहिए यूजिंग द टेंपरेरी वेरिएबल। सो व्हाट आई विल डू, मैंने 10 इज इक्वल टू क्या लिखा ए, यानी ए का वैल्यू मैंने किस में डाल दिया, टेंपरेरी में डाल दिया। सो टेंपरेरी में किसका वैल्यू ए, तो ए का वैल्यू क्या है 5 है, तो किस में चला गया टेम्पररी में चला गया। फिर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी है, दैट मीन्स बी का वैल्यू किस में डाल दिया अभी आपने, ए में डाल दिया, तो बी का वैल्यू ए में डाल दिया, यानी बी का वैल्यू 3 था, तो अभी वो कहाँ पे चले गया, ए में चले गया, तो ए में क्या चले गया 3 चले गया, ठीक है। नाउ बी इज इक्वल टू 10, यानी फिर 10 का वैल्यू मैंने किस में डाल दिया, बी में डाल दिया, तो 10 में क्या है 5 जो है वो मैं किस में डाल दूंगा, बी में डाल दूंगा, यानी ओवरलैप हो गया वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को स्वैप करते हैं। सो इस बार मैंने मैसेज क्रिएट किया वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर द इंटरचेंज, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू क्या है 5 है। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सो वी हैव टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, सो एंटर F9 0 एरर कंट्रोल F9, ठीक है। नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सपोज ए का वैल्यू मैंने 10 एंटर किया, बी का वैल्यू मैंने 20 एंटर किया, ठीक है, एंटर। सो वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर इंटरचेंज, इंटरचेंज होने से पहले ए का वैल्यू 10 था और बी का वैल्यू 20 था, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर इंटरचेंज स्वैपिंग, आफ्टर स्वैप करने के बाद ए का वैल्यू कितना मिला, 20 मिला, ठीक है, यानी ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू क्या हुआ 10 हुआ, दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, बी का वैल्यू ए में आ गया और ए का वैल्यू बी में चला गया, ठीक है। सो लाइक दिस दिस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। नाउ वी सी द अनदर प्रोग्राम स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नाउ वी सी, so in the previous program what we did, we have exchanged the value of two variable, we have swapped the value of two variable using the third variable, do pocket ka data maine interchange kiya using the third pocket. Now in this program what we are going to do, write a program to interchange the value of two variable without using the third variable, okay. hame kya karna hai ki dono variable ki value exchange karni hai, jise for example main yahan pe bolta hu ki a is equal to, ठीक है, प्रोग्राम को इंटरचेंज वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, दैट मींस एक ए नाम का वेरिएबल लिया है अपन, ठीक है, और एक दूसरा लिया है बी नाम का वेरिएबल, ऐसे दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर ए एंड बी, एक ए नाम का वेरिएबल एक बी नाम का वेरिएबल, तो ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए, बी की वैल्यू ए में जानी चाहिए विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, हमें तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर, इन दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू डू सम एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, वी हैव टू यूज एडिशन एंड सबट्रैक्शन। So according to that, we are going to exchange the values of variable a and b. Okay, so integer a and b, a or b ka value, a or b ko variable diya hua hai. CLR itself enter, enter the value of a and b, a or b ka value of a and b ka value आपको enter करना है. So जो आप पहला value भेजोगे वो a में जाना चाहिए, दूसरा value भेजोगे b में जाना चाहिए, इसलिए scanf statement लिखा हुआ है. ठीक है, तो a में सपोज अभी आपने enter कर दिया, a is equals to 10. Suppose a is equals to 20 and b is equals to 30.
a is equal to 20 and b is equal to 30 enter कर दो, ठीक है? Now the value of a and b before interchange. अभी a और b interchange होने से पहले a और b का value क्या है? तो a में value क्या जाएगा? 20 और b में value क्या रहेगा? 30 रहेगा. So value of a and b before interchange is a is 20 and b is 30. Now this statement print कर देंगे कि before interchange क्या रहेगा? अभी now what I did? I have to perform some addition and subtraction. Arithmetic operations we have to perform on a and b. ठीक है, मैंने अगर सपोज ऐसे किया a is equal to a plus b. तो a is equal to a plus b अगर मैं करता हूँ तो what is the value of a? a का वैल्यू कितना है? 20 है. 20 plus b का वैल्यू कितना है? 30 है. तो 20 plus 30 will get answer 50. यानी अभी a का वैल्यू कितना हो गया? अभी a का वैल्यू हो गया 50. इन्हें क्या चले गया? 50. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट अपन ने क्या लिखा? b is equal to a minus b. पहले अपन ने a a plus b किया, a में स्टोर कर दिया तो इन्हें 50 चलेगा. नाउ व्हाट आई डिड? b is equal to a minus b. ठीक है, सो b is equal to a minus b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू कितना है? 50. ये जो पहले 20 था अभी वो लैप्स हो गया, यानी ओवरलैप हो गया. ठीक है, a is equal to 50 है, यानी a का वैल्यू कितना है? 50 है. माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है? अभी भी b का वैल्यू 30 ही है. b का वैल्यू 30 है. b का वैल्यू कितना है? 30 है. सो 50 माइनस 30 व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 50 में से अगर 30 निकालते हैं हम लोग तो यू विल गेट अ वैल्यू 20. यानी अभी b में क्या चले गया? b में 20 चले गया. ठीक है, यानी देखो a का वैल्यू b में चले गया 20. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डिड? a इज इक्वल टू a माइनस b. सो a इज इक्वल टू a माइनस b. व्हाट इज द a वैल्यू? a का वैल्यू कितना है? 50 है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b का वैल्यू अभी कितना है? 20. 20. सो व्हाट we will get 50 minus 20 will get a 30. That means अभी हमारे पास a का वैल्यू कितना आया? 30 आया. That means we have to execute some addition subtraction on a and b. Okay, and according to that we have stopped the value of a and b. So without using the third variable, हमने तीसरा वेरिएबल को यूज नहीं किया, हमने दो ही वेरिएबल पे प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करके हमने वैल्यू को चेक किया, एक्सचेंज किया. तो अभी देख सकते हैं आप कि a में जो वैल्यू है 30 है और b में जो वैल्यू है 20 है. पहले a में 20 था, b में 30 था, अभी a में 30 है, b में 20 चेंज हो गया. तो वैल्यू ऑफ a एंड b ऑफ इंटरचेंज इज a और b का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू का इंटरचेंज करते हैं. तो तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सपोज ए का वैल्यू मैंने सपोज 30 एंटर किया और बी का वैल्यू मैंने सपोज 20 एंटर किया. ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर इंटरचेंज इज ए इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर इंटरचेंज इज ए का वैल्यू 20 हो गया और बी का वैल्यू 30 हो गया. लाइक दिस वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस प्रोग्राम. होप यू ऑल आर अंडरस्टूड ऑल द प्रोग्राम्स व्हाटएवर वी हैव टेकन टुडे. सो थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.